एक बार आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। अभी तक के रुझान के मुताबिक 293 पर एनडीए आगे, 293 पर एनडीए आगे। आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हेमा मालिनी आगे चल रही है 1,70,000 वोटों से, 1,70,000 वोटों से आगे चल रही है हेमा मालिनी। आप सभी शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए, एक एक बार बोलिए। ऐसे देखिए, ऐसे नहीं। रोहित जी देखिए, आप स्टूडियो में मौजूद है। जवाब साहब आप स्टूडियो मौजूद है, रोहित जी आप स्टूडियो मौजूद है। ऐसे नहीं, अभी ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। हेमा मालिनी 1,70,000 से वोटों से आगे चल रही है और ये तस्वीर इस वक्त क्लियर कर दे, 3 सीटों पर बीजेपी 1.5 लाख के अंतर से आगे है। गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पर बड़ी बढ़त, बुलंदशहर में बीजेपी को बड़ी बढ़त, हेमा मालिनी 1,70,000 वोटों से आगे चल रही है। मथुरा में तो यूपी में 37 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, ये तस्वीर इस वक्त क्लियर कर दें आपको। गौतम बुद्ध नगर में वोटों की कितनी बड़ी वोटों की अंतर है आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, 2 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर बुलंदशहर में भी, वहीं 1.5 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर हेमा मालिनी ने मथुरा में बनाया है। 37 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी है उत्तर प्रदेश में, वहीं INDIA 42 सीटों पर आगे इस वक्त नजर आ रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर की सीट की बात कर ले तो डॉक्टर महेश शर्मा तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में थे और साथ ही जो बढ़त है वो काफी ज्यादा इस वक्त देखी जा रही है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर में जब मतदान हुआ तो डॉक्टर महेश शर्मा के नाम का जिक्र कम और प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र लोग करते हुए ज्यादा नजर आए थे और राहुल गांधी भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और फासला बढ़ गया, 1,52,000 के आसपास था, अब ये 1,64,249 हो चुका है फासला। रायबरेली में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं और देखिए, मैं आप सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी अपनी अपनी बारी में बोले, हम सबके पास आएंगे, पूरा दिन है आज का, पूरा दिन है और एक दूसरे की बात काटने से होता यह है कि किसी की बात क्लियर नहीं आती है, ठीक है। और उम्मीद करूंगी मैं सैयद जावद जी आपसे और साथ ही रोहित जी आपसे कि अपनी अपनी बारी में आप बात करेंगे। अब बताइए सैयद जी, आप कह रहे थे कि साख पर सवाल है, साख पर सवाल कैसे है, सरकार तो अब भी एनडीए की ही बनती दिख रही है। नहीं देखिए, अभी क्या होगा, अभी नतीजे शुरुआती नहीं रह गए, अब बहुत लंबा जो है वो एक डिफरेंस नजर आ रहा है सामने। और जो भारतीय बीजेपी अकेले बहुत आगे है, नहीं भारतीय जनता पार्टी अभी जो 303 सीटें 2019 के अंदर लेकर के आई थी, एक प्रचंड बहुमत की सरकार थी और जो घमंड और तकब्बुर के अंदर ये कहा जा रहा था कि अब की बार 370 पार भारतीय जनता पार्टी अकेले करेगी और 400 पार का नारा जो है खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था लोगों के बीच। और मैं बार बार कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इतना कॉन्फिडेंट हैं तो अपने 10 साल के कार्यकाल पे वोट नहीं मांग रहे हैं।